हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ पटना के बाद दिल्ली के चिड़ियाघर घूमने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा यहाँ का टिकट का प्राइस कितना है और आप कैसे चिड़ियाघर घूम सकते हैं और यहाँ कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो फिर चलिए देखते हैं दिल्ली का चिड़ियाघर। आप भी सोचते होंगे घूमने के लिए तो बहुत सी जगह होती है, लेकिन चिड़ियाघर ही क्यों? क्योंकि चिड़ियाघर घूमने में मज़ा बड़ा आता है और मुझे नहीं, बहुत से लोगों को आता है, वो आप इस भीड़ को देख के पता चल ही रहा होगा। ये भीड़ भारी नहीं, हर जगह है, अंदर हो या बाहर हर जगह लोग दिख रहे थे। फिर हम निकल लेते हैं टिकट लेने के लिए, लेकिन टिकट काउंटर से नहीं, ये आपको ऑनलाइन लेनी होगी, जो आपको nzpnewdelhi.gov.in पे आसानी से मिल जाएगी। और टिकट का प्राइस भी यहाँ अलग अलग होगा, बच्चों और सीनियर सिटीजन के लिए 40 रुपये और बड़े लोगों के लिए 80 रुपये। फिर हम टिकट लेके और इस टिकट को गेट पे स्कैन कराने के बाद हम अंदर आ जाते हैं। मुझे अंदर आते ही दिखता है ये, यदि किसी को पैदल घूमने का मन ना करे उसके लिए भी एक अलग बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल मिलते हैं, जिसका प्राइस 70 रुपये है। फिर अंदर आने पे मुझे दिखता है ये बोर्ड जिस पर लिखा था कौन कौन सा जानवर अंदर है, लेकिन दिखते कितने हैं वो पता नहीं। सबसे पहली नज़र पड़ती है इन लोगों पे, जो बड़ा ध्यान से कुछ देख रहे थे और मैं भी उनकी तरफ देखने लगा। फिर मुझे सबसे पहले देखने मिलता है काला हंस। वैसे हंस सफ़ेद रंग के होते हैं, लेकिन यहाँ पर काले रंग का भी था, जो दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर मुझे दिखते हैं बहुत ही अलग तरह के बंदर। वैसे हमें बंदर रोड पर भी दिख जाते हैं, लेकिन ये उनसे अलग थे, जिसमें एक शेरपूछ बंदर भी था जिसकी पूछ शेर की तरह दिखती है। और दूसरे बंदर को बबून कहते हैं, कहते हैं ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होते हैं, लेकिन मैं इसको देखने आया हूँ और वो कुछ ज़्यादा ही दूर खड़ा है। फिर मुझे दिखते हैं जो रोड और पार्क में घूमने वाले बंदर, जो यहाँ पर आराम से बैठे हुए थे। फिर मुझे दिखा ऐसा जानवर जो विलुप्त होने वाला है, जो बिल्कुल गाय की तरह दिखता है, लेकिन इसको गौर बोलते हैं। और मुझे साथ में दिखा ये सुस्त जानवर, पैसे देके इसको देखने आए हैं और ये सो रहा है। यहाँ पर मुझे इन जानवरों से अलग और भी जानवर और पंछी देखने को मिले, जिसमें स्याही, शुतुरमुर्ग, सफेद वाला हिरन और अलग अलग तरह की चील थी। लेकिन जिसके लिए मैं चिड़ियाघर आया था उसकी मुझे अभी भी तलाश थी, वो है यहाँ के बड़े जानवर देखने को, जो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। फिर मैं उनकी तलाश में लग जाता हूँ। थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद मुझे वो दिखी जाता है ये मैप, और इस मैप में था कौन सा जानवर कहाँ है। फिर क्या, इस मैप के सहारे मैं निकल लेता हूँ उन जानवरों के पास जिसके लिए आया हूँ। थोड़ा आगे जाने पर मुझे सबसे पहले दिखता है ये तेंदुआ, जो यहाँ एक नहीं चार थे और पिंजरे में इधर उधर घूम रहे थे, और सबसे ज़्यादा लोग यहीं दिख रहे थे। एक तो बिल्कुल पास बैठा हुआ था, सोच रहा था पहले इन सब में किसका शिकार करूं। इसके बाद ये भीड़ मुझे ले जाती है एक सिंह वाले गैंडे के पास। लोगों का कहना यह है कि गोली लगने पर भी इसको कुछ नहीं होता। फिर मुझे दिखता है रॉयल बंगाल टाइगर, लेकिन ये लोगों को नज़रअंदाज कर रहा था, वो अपने आप में ही दूर होकर लेटा हुआ था। फिर हमें घड़ियाल भी दिखी जाता है, लेकिन वो बाहर नहीं घूम रहा था, वो पानी के अंदर था, लेकिन बस थोड़ा बहुत दिख रहा था। घड़ियाल की तरह ही हिप्पो भी पानी में ही था, बस थोड़ी देर के लिए पानी से बाहर आ रहा था, वो भी सांस लेने के लिए। इतने सारे जानवरों को देख लिया, लेकिन अभी भी जंगल का राजा नहीं दिखा। फिर मुझे रास्ते में इधर उधर जाने पर आखिरकार जंगल का राजा भी दिखी है, वो भी बड़ी मुश्किल से, बस थोड़ा दूर जाकर बैठा हुआ था। जाते जाते मुझे एक भारी भरकम जानवर भी दिखी गया, और इस तरह दिल्ली की चिड़ियाघर की पैदल यात्रा खत्म होती है।